हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आप अपने न्यू मोबाइल नंबर को अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पुराने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में आप कैसे अपडेट करते हैं, इसी टॉपिक में मैं बात करूँगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीख। आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन करना है, तो चलिए मैं गूगल को यहाँ से ओपन करता हूँ और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ UPPCL। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाली साइट है, मैं इस साइट पर जा रहा हूँ क्योंकि मैं UP से बिलोंग कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप अपने स्टेट के अनुसार जो भी ऑफिशियल साइट है उस पर चलिए इसको हम सर्च करा देते हैं और हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर मैं पहले वाले इंटरफेस वाले जो वेबसाइट है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बट कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर देता हूँ A3 डॉट पर क्लिक करके, और यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है डेस्कटॉप साइट का। ये चेकबॉक्स को मैं टिक लगा देता हूँ, तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन में हो गया है। इसके लिए अब दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से आपको आना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको कहाँ पर जाना है, देखिए बिल पेमेंट अर्बन, अगर आप सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप ग्रामीण से हैं, गांव देहात से हैं, तो बिल पेमेंट रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है एक लॉगिन का। ठीक है, क्योंकि आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ से अकाउंट नंबर पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते हो अपडेट, कुछ भी नहीं अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर उसको देख कर आप सीख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं अपना पासवर्ड और अकाउंट नंबर डाल के। दोस्तों देखिए, मैं लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर देखिए ये ओपन भी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर जाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, कंज्यूमर नंबर जो लिखा है अकाउंट नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, नीचे लिखा है अपडेट मोबाइल एंड ईमेल। यहाँ से जब इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जूम करके दिखाता हूँ, अपडेट मोबाइल एंड ईमेल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, आपका अकाउंट नंबर है और ये पुराना वाला नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर न्यू नंबर डालना है, जो भी आप नंबर यहाँ अपडेट करना चाहते हैं। चलिए मैं अभी करके दिखाता हूँ, मैं अपना एक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। इतना डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए ऊपर लिखा है अपडेट सक्सेसफुल, मतलब हमारा जो अभी हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डाला है वो सक्सेसफुल अपडेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। ठीक है, फिर से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए, मैं दोस्तों वापस आ गया हूँ अपनी साइट पर और मैं यहाँ से देखता हूँ अपना माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोग वापस से आ गए हैं और यहाँ से हम लोग अब चेक करते हैं कि हमारा जो अभी तक हमने अपडेट किया अपडेट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों फिर हम इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपडेट मोबाइल एंड ईमेल, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए दोस्तों, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जब अभी हमने मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी डाला है, ये अपडेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बड़ी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और दोस्तों हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इसी तरह हमारे वीडियो पाने के लिए हमें नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।